याद रखो मुसलमानों, तुम जिस दिन उठ के ठहरेंगे बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे खतबों में बैठेगी। ये तारीख शायद है हम कम रहे, तादाद में हमेशा कमते हैं, मगर अल्लाह ने उसी को नुसरत और फतेह देता है जो इखलास के साथ ईमान कामिल के साथ अख्यास से मुकाबला करता है। जंग नहीं करना है हमको, मुकाबला करना है, हर लिहाज से मुकाबला करना है, तालीमी से मुकाबला करना है, कानून के दायरे में रहकर मुकाबला करना है। इसलिए करना है कि हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं, गौखशी के नाम पे हमको मारा जाता है और उनको ग्रीन चीट जीत दी जाती है मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एहतजाज पर। कहने का मकसद यह है हमको पहले से ज्यादा ताकतवर बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए। उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरस का इलाज रखते हैं, उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरस का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो वक्त के यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हमको हुसैनी मिजाज रखना चाहिए। बताइए आज की ये मुहर्रम का महीना है, करबला से हमको क्या पैगाम मिला है, उस पे अमल करने की जरूरत है कि दारा की बात करना सिकंदर की बात कर, प्यासे लबों से साकी कौसर की बात कर। तू दुश्मनाने दीन की तेदाद को ना देख, मैदाने करबला के 72 की बात कर। आज वक्त का तकाजा है हमको पहले से ज्यादा मुत्तहद और मुनज़म होके, आज जो 3 उम्मीदवार जो मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यहाँ बैठे हैं, वार्ड नंबर 27 से, वार्ड नंबर 41 से, वार्ड नंबर 42 से, आपको वार्ड नंबर 40, 27 और 41 से अपने एक एक कोट का इस्तेमाल करिए। एक दिन निकलिए आप लोग, एक दिन निकलिए, ये तमाम 3 उम्मीदवार आपके दरमियान में 5 साल आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी तकरीर को सिमटते हुए मैं आपसे मुदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अब गुजारिश में इल्तिमास कर रहा हूँ कि 3 तारीख को निकलिए, एक एक कोट का इस्तेमाल करिए। घर में बैठ के ये नहीं सोचना मैं एक कोट से मेरा क्या होने वाला है, आपका एक कोट हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत में इजाफा करेगा, आपका एक और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हौसलों में उनकी ताकत में भी इजाफा करेगा। अगर मुझे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत यहाँ बढ़ेंगी तो दिल्ली में भी उसकी आवाज, उसकी गूंज आवाज सुनाई देगी। मैं आप तमाम से इल्तिमास करते हुए खास तौर से प्रधानशील मेरी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, जितने मजमा है यहाँ पर इन सब से कह रहा हूँ, अपने अफराद खानदान को बात नमाज फजर अव्वलिन सातों पे निकलिए, अव्वलिन सातों पे निकल के पहला वोट सोच के निकलिए कि पहला वोट मेरा होना, और ये दुआ से वोट दीजिए कि ये अल्लाह मैं ये वोट दे रहा हूँ, मेरे वोट से मेरे उम्मीदवार को कामयाब करिए और मुसलमानों के हौसले को बुलंद करिए। ये सोच के ये फिक्र लेके उठिए कि आज हमारे कुछ